दोस्तों किसान साथियों, अगर आप बागवानी करते हो और आपको छोटे ट्रैक्टर की जरूरत है, 30 HP के कैटेगरी में ये ट्रैक्टर सबसे बढ़िया ट्रैक्टर सोनालिका ने निकाला है, सोनालिका टाइगर GT13। तो काफी बढ़िया ट्रैक्टर है, साइज में भी काफी बढ़िया है। जैसे आप कोई अंगूर की खेती, मौसम्बी यार, जैसे भी कोई बागवानी करते है, तो इन किसान भाइयों के लिए ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रैक्टर में आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाते हैं। सभी फीचर्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इस ट्रैक्टर 30 HP का यह ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है ये हम अगर खोल के आपको बताएंगे, इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। 1318 CC का इसका इंजन है, 30 HP कैटेगरी में आता है। इस ट्रैक्टर 3000 रेटेड RPM पर यह अपनी जो पूरी पावर है ये जनरेट कर लेता है। इस छोटे ट्रैक्टर में भी आपको ड्राई टाइप का यहाँ पर एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के हम अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको साइड शिफ्ट गियर मिल जाते हैं और क्लच सिंगल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर आता है। स्पीड इसमें 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स ऐसे ऑप्शन में ये आपको ये ट्रैक्टर मिल जाता है। 4 स्पीड PTO यहाँ पर आपको मिल जाता है और ब्रेक्स इसमें OIB ब्रेक्स, ऑयल इमर्स ब्रेक्स मिल जाते हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी और कम मेंटेनेंस वाले ब्रेक रहते हैं, OIB ब्रेक इसमें आपको मिल जाते हैं। इसमें हम यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगी और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 30 HP ट्रैक्टर के 30 HP श्रेणी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोलिक कैपेसिटी देगी। लगभग 7.5 क्विंटल की यहाँ पर आपको इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। फ्रंट टायर मिलते हैं 6/12 के और इसके हम रियर टायर की बात करें तो रियर टायर आपको मिल जाता है 8/3/20 और 8/3/24, ऐसे 2 मल्टीपल ऑप्शन में आपको ये ट्रैक्टर का टायर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये आपको मल्टी स्पीड गियर लीवर के साथ देखने को मिल जाता है। लगभग सभी चीज़ें हम इसमें मल्टी स्पीड कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पर PC और DC लीवर देखने को मिल जाएगा। और उसके हम अगर पीछे से बात करें तो इसके जो इंडिकेटर है ये काफ़ी अट्रैक्टिव इंडिकेटर यहाँ पर दे रखे है और इसका जो साइड गार्ड भी हम अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़े बम्पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें जो साइज है ये काफ़ी बड़ा गैप दे रखा है, क्योंकि क्या होता है किसान भाइयों, जैसे भी हम बागवानी में अगर स्प्रेइंग करते हैं तो स्प्रेइंग करते वक्त ट्रैक्टर फंस जाता है, इसमें कीचड़ अटक जाता है। तो इतना बड़ा गैप होने के कारण आपकी ये जो समस्या है ये भी दूर होने वाली है। हम अगर इसके पीछे से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पीछे से रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, ये टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा और टूल बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इसका जो सस्पेंडर टाइप की इसकी जो चेयर है ये मिल जाती है, इससे किसान का कंफर्ट काफ़ी बना रहता है, किसान अपने हाइट और अपने वेट के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। और दोस्तों इसके हम अगर हाइड्रोलिक की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता है। एक्सल भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, हिच आपको फैक्ट्री फिटेड कुछ इस तरीके से हिच मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बागवानी करते समय हमें इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ती है, इसके लिए ट्रैक्टर की विड्थ जो है ये कम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये ट्रैक्टर आपका 3.5 फीट के अंदर चल जाता है, तो 3.5 फीट का इसकी जो विड्थ है ये 3.5 फीट है और आगे से भी आपको 3.5 फीट की विड्थ देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में हम आपको काफ़ी ज़्यादा खुला स्पेस देखने को मिल जाएगा, सस्पेंडेड टाइप के यहाँ पर आपको क्लच पैंडल और ब्रेक पैंडल देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा इसकी स्टेयरिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट स्टेयरिंग है, छोटी स्टेयरिंग है, हैंडल करने में काफ़ी आसान है। डीजल के लिए आपको यहाँ पर डीजल टैंक देखने को मिल जाती है, हैंडरेस्ट और जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट है सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ये जो PTO लीवर है ये PTO लीवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये 4-व्हील ड्राइव एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए 4-व्हील ड्राइव का यहाँ पर आपको लीवर देखने को मिल जाएगा। एक और खास चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ अलग लगी, तो दोस्तों जब भी हमारा ट्रैक्टर अगर कीचड़ में फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए डिफरेंशियल लॉक होना बहुत ही जरूरी है। तो इस बात का भी ध्यान यहाँ पर कंपनी ने रखा है, डिफरेंशियल लॉक के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े में अगर 50 HP का भी ट्रैक्टर हो तो इसमें भी आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर आपको कैसा रहा और वीडियो आपको अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे मेन चीज़ की, मतलब इस ट्रैक्टर की प्राइस।
तो इस ट्रैक्टर की प्राइस आपको ये ट्रैक्टर मिल जाता है मार्केट में 5,75,000 में, मतलब 6.25 लाख में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, अगर भी कोई आपकी अगर राय हो या कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।